हेलो एवरीवन, नाउ टुडे वी आर स्टार्ट लेसन 11 क्लास थर्ड क्लास इन 11 है। ये हमारा जजमेंट टॉपिक किंग, ये चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में दो लेडीज होती हैं, उनके पास एक बच्चा होता है, और जब वो कोर्ट में आते हैं तो दोनों लेडीज क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा है। लेकिन जो वहाँ का राजा है उसके लोग बहुत ही इज्जत करते हैं, बहुत ही उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है, और राजा इतना अच्छा जजमेंट लेता है बेबी के ऊपर कि सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वंस देयर लिव्ड ए वाइज किंग, एक बार क्या था, एक बुद्धिमान राजा था इन इसराइल। इट वॉज फेमस फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस, वो किस लिए प्रसिद्ध था, अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के कारण प्रसिद्ध था। ऑल द पीपल्स लव्ड हिम एंड रिस्पेक्ट हिम, सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, उसे बहुत ही आदर करते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन द किंग सिटिंग इन हिज कोर्ट, जब राजा अपने कोर्ट में दरबार में बैठा हुआ था, टू वुमेन एंटर एंड स्टूड बिफोर द किंग, दो लेडीज वहां पे आती हैं और राजा के सामने खड़ी हो जाती हैं। दे वर डियर सिस्टर, वे कौन थी, दोनों बहनें थी। दे वर वीपिंग, वे रोती हैं। वन ऑफ देम हैड ए बेबी इन हर आर्म्स, एक के पास क्या होता है, एक बच्चा होता है उसके हाथ में। दे वर शाउटिंग ए क्वरल, वो लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। नेदर द वन ऑफ देम हैड ए बेबी इन हर आर्म्स, दे वर शाउटिंग। नेदर द किंग नॉर एनीबॉडी सॉल्व द प्रॉब्लम, और जो लेडी जो कोर्ट में आई थी वो दावा करती कि बच्चा मेरा है, दूसरे कहती है बच्चा मेरा है, तो सभी के लिए प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी थी। तो राजा के और कोई भी व्यक्ति उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि राजा भी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया था इस बात को लेके। द किंग थॉट देन आस्क्ड द वुमन ब्रिंग ए स्वॉर्ड, देन द किंग थॉट, कुछ देर के बाद सोचता है फॉर ए वाइल एंड देन आस्क देन हूज बेबी इज दिस, और पूछता है कि बच्चा किसका है, मतलब लेडीज कहती है कि बच्चा हम दोनों का, दोनों में से किसी एक का है वो मेरा है, दूसरी कहती है कि बच्चा मेरा है। देन आस्क्ड हिज मैन, वह अपने दूसरे व्यक्ति से कहता है ब्रिंग ए स्वॉर्ड, मतलब फिर तलवार लेकर आओ, एंड कट द बेबी इनटू टू पार्ट्स एंड गिव ईच ऑफ देम, के इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो और दोनों टुकड़े एक एक औरत को दे दो। बट एज द कॉर्टियर, लेकिन जो कॉर्टियर था लिफ्टेड हिज स्वॉर्ड, जैसे वो अपना तलवार ऊपर उठाता है, कट द बेबी टू पीसेस, बेबी को दो पीस में मारने के बांटने के लिए। वन ऑफ देम वुमेन, ये जो एक और दो चिल्लाती है, स्टॉप डोंट किल माई चाइल्ड, वह कहती है कि इस बच्चे को मत मारो, ये मेरा बच्चा है। द किंग केम टू नो, राजा को पता चल जाता कि ये बच्चा किसका है, कि कोई भी मदद चाहते कि उसकी प्रेजेंट में उसके बच्चे को ही मारे। हु इज द रियल मदर वास, ए रियल मदर कैन नॉट बियर हर चाइल्ड टू बी किल्ड इन हर प्रेजेंस, मतलब कि कोई मारना चाहते कि उसके सामने उसके बच्चे को ही मारना चाहता है, मारेगा। द किंग सेड यू आर लायर, तब राजा कहता है उस वक्त तुम बहुत ही झूठी हो। आई विल पनिश यू, और कहता है मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुमने यहाँ पे कोर्ट में आकर तुमने क्या किया, बहुत अधिक झूठ बोला है। यू आर पुटिंग यू इन जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। बट द सिस्टर सेड, दोनों जो दूसरी सिस्टर होती है जिसका बच्चा होता है, वह कहती है योर मैजेस्टी फॉरगिव हर, वो कहती है महाराज इसको माफ कर दो, आज के बाद हम कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, प्रेम से रहेंगे। इस प्रकार राजा ने असली जो उसके बच्चे की माँ थी उसका पता लगाया था ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।